गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं तस्मान रेनो। सो चलिए आज एक मूवी का टीजर देखते हैं। मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सो चलिए देखते हैं एंड ये कहानी किसका है, चलिए देखते हैं। ये मूवी का डायरेक्टर है करण जौहर एंड ये मूवी की एक्टिंग क्या है, धर्मेंद्र, जया, शोभना आजमी, रणबीर सिंह, आलिया भट्ट एंड साथ में और भी लोग है। सो चलिए देखते हैं टीजर कैसा रहा। सो गाइस लेट्स प्ले। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सो ये था करण जौहर की। अच्छा मूवी रिलीज होगा 28 जुलाई में, जिसकी नेक्स्ट जुलाई में, जिसके नेक्स्ट मंथ में। सो ये करण जौहर की मूवी है एंड ये करण जौहर की 25th एनिवर्सरी के ईयर में सबको इनवाइट किया। ये एक स्पेशल मूवी लग रहा है मुझे। सो जो भी वो मुझे कहानी इतना ज़बरदस्त नहीं लगा। अभी बहुत दिन से मैंने देख रही थी कि बॉलीवुड में बहुत सारा लव स्टोरी जैसा मूवी बना रहा है, जैसे कुछ दिन पहले में था जरा हटके जरा बचके, वो मूवी तो थोड़ा सा लव स्टोरी था, जैसे कि कहानी वो ज़्यादा लव करते हैं पर लास्ट में वो डिवोर्स लेना चाहते हैं ऐसा। फिर कुछ दिन पहले में 71 प्रेम का था, वो कहानी भी लव स्टोरी को लेकर, एंड अभी आया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और करण जौहर ने सोचा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ लव स्टोरी लेकर मूवी को। और करण जौहर की जितना सारा मूवी मैंने देखा है, या कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, फिर और कल होना हो, जैसे कि करण जौहर सोचते कि चलो लव को लेकर ही कहानी, लव को जैसे कि लव स्टोरी जैसा ही मूवी बना लेते। वो पता नहीं उनको क्या लगता है, वो कभी एक्शन टाइप की मूवी एंड एक्शन लव स्टोरी रखता तो बहुत अच्छा होता, एंड एक्शन थ्रिलर टाइप की लव स्टोरी होता तो बहुत अच्छा लगता। पर यहाँ पे करण जौहर ऑल टाइम ऐसा ही मूवी बनाते, वो लव को लेकर लव स्टोरी बनाते हैं। जो भी हो मुझे खास नहीं लगा ये स्टोरी एंड पूरा की ये टीजर में मुझे बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अरिजीत सिंह की वॉइस के गाने देखने को मिलेगा, जो तुम जो मिले तुम ना मिले ऐसा कुछ गाने जो था वो बहुत हार्ट टचिंग मुझे लगते है सॉन्ग होगा, एंड ये गाने की वजह से ही मूवी चल सकता है। सो जो छोड़ो खास नहीं था, मतलब कहानी इतना खास नहीं था, पर वो कर गाने के लिए सब लोग पसंद करेगा। एंड जो भी वो करण जौहर की मूवी लव स्टोरी तो हो गई एंड ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी। और यहाँ पे फर्स्ट में टीजर में पूरा की पूरा 1 मिनट 19 सेकंड का टीजर है, पर फर्स्ट में हमने सिर्फ देखा है कि आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह को ही देखा है, इधर से उधर से उनका लव सीन रोमांस ही देखा है, बाद में थोड़ा सा फैमिली की कुछ सीन यहाँ पे ऐड किया। तो ये पूरा लव स्टोरी मूवी है, तो अगर आप लव स्टोरी मूवी देखना पसंद करते हो तो ये मूवी देखने पर जाओ।